हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत सिंह। टुडे विल डिस्कस अबाउट वेक्टर कैलकुलस यूनिट सेकंड, बीएससी पार्ट वन की फिजिक्स की यूनिट सेकंड आज हम देखेंगे। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, हाउ मैनी इंटीग्रल्स डिफाइन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज एक्सप्लेन, यानी कि सदिश राशियों के इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सदिश राशियों के इंटीग्रल्स क्या होते हैं? सदिश राशियों के इंटीग्रल से तात्पर्य है कि जैसे कि जो डेरिवेशन फिजिक्स में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है हमें, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी होती है, तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, तो वो डायरेक्शन के साथ होती है, तो उसमें वेक्टर का बड़ा रोल होता है। और वही वेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो वही हम देखेंगे। इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसका टाइप है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे इसका, क्या लेंगे, लाइन इंटीग्रल। तीन टाइप होंगे इसके। कितने टाइप, पहले हम टाइप बता दें, तीन टाइप होंगे इसके, देयर आर थ्री टाइप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स रिगार्डिंग वेक्टर, रिगार्डिंग वेक्टर क्वांटिटीज। तो थ्री टाइप्स के कौन कौन से होंगे? नंबर वन होगा लाइन इंटीग्रल, नंबर टू देखेंगे हम, लाइन इंटीग्रल हो गया सरफेस इंटीग्रल, नंबर टू देखेंगे हम सरफेस इंटीग्रल, और नंबर थ्री हम देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। यानी कि रेखीय इंटीग्रल, सरफेस मतलब कि पृष्ठ समाकलन, और वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब कि आयतन समाकलन। तो इनसे तो सभी परिचित होंगे, लाइन रेखीय, सरफेस पृष्ठीय, और वॉल्यूम आयतनीय। हम ये तीनों देखने वाले हैं, तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले पहला वाला टाइप डिस्कस करेंगे हम कि कैसे यूज होता है इसमें वेक्टर कैलकुलस का। फर्स्ट है हमारा लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल में हम क्या करेंगे दोस्तों, लाइन इंटीग्रल में हम एक लाइन ले लेंगे, किस पे, एक वक्र मान लेंगे हम। लेट पी क्यू इज ए कर्व। पी क्यू क्या है, एक इज ए कर्व्ड लाइन। पी क्यू एक कर्व्ड लाइन है, और इस कर्व्ड लाइन में हम क्या लेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, और ये लाइन किस में है, पी क्यू लाइन इज प्लेस्ड या सिचुएटेड, पी क्यू लाइन इज सिचुएटेड इन ए वेक्टर एरिया, इन ए वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया में ये लाइन है। वेक्टर एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे, वेक्टर एरिया का मतलब वह एरिया जिसमें दिशा निर्देशित की गई हो। तो वेक्टर एरिया में ये लाइन ली गई है हमारी पी क्यू, ठीक है। नंबर एक हो गया, लाइन पी क्यू ले ली, और पी क्यू लाइन किस में है, पी क्यू लाइन इज इन, इज सिचुएटेड इन ए वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया क्या है, लेट वेक्टर ए इज डिनोटेड दैट एरिया विच इज इन फॉर्म ऑफ वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, ए क्या है,
ए जो है उस एरिया को, वेक्टर ए उस एरिया को डिनोट कर रहा है जहां पे की दिशा निर्देशित की जाती है, किसके लिए, वेक्टर के कैलकुलस के समाकलन को ज्ञात करने के लिए। पी क्यू लाइन ये है और हम क्या करेंगे इस पे लेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेट करेंगे इस पे। ये क्या है, वेक्टर ए हो गया हमारा, एंगल थीटा हो गया और लाइन सेगमेंट हो गया हमारा ये डीएल, डीएल हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। लेट डीएल इज ए लाइन सेगमेंट, डीएल क्या ले लिया हमने, एक लाइन सेगमेंट, यानी कि पूरे वक्रीय रेखा में से हमने क्या लिया, छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया उसका, हमने छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया ताकि इस लाइन का समाकलनीय जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसलिए हमने एक सेगमेंट ले लिया छोटा सा। इस सेगमेंट के जरिए क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, ये इंटीग्रल का साइन है, इसको समाकलन का साइन बोलते हैं, और लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए इंटू डी एल, वेक्टर ए इंटू डी एल, यानी कि दोनों क्वांटिटीज की मल्टीपल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, लाइन इंटीग्रल, किसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में हमने क्या लिया है, वेक्टर फॉर्म में लिया है दोनों को, दोनों डायरेक्शन हमारे दर्शा रहे हैं, लाइन सेगमेंट भी डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर ये भी डायरेक्शन बता रहा है, तो दोनों ही किस फॉर्म में, दोनों का हम क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, मोड ले लेंगे। तो एक ही जगह क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ए जो है थीटा, ये वेक्टर ए है और ये डीएल है, तो वेक्टर ए का डीएल के सापेक्ष में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, देख सकते हैं इसको डिटेल से। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा और डीएल का डीएल ही आ जाएगा, तो ए कॉस थीटा इंटू डीएल हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डीएल हो गया। और लिमिट हमारी कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट लेंगे हमारी टेकिंग लिमिट फ्रॉम पी टू क्यू, चूंकि लाइन हमारी पूरी जो वक्रीय लाइन है वो यहां से लेके यहां तक है, तो हमारी वही लिमिट हो जाएगी, लिमिट कितनी लेंगे, पी से क्यू तक, ए कॉस थीटा इंटू डी एल, पी से क्यू तक हमारी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको हमने चूंकि लाइन फॉर्म में लिया है तो लाइन जो होगी हमारी वो तीनों डायमेंशंस में होगी, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है उसको और जो डी एल है यानी कि लाइन सेगमेंट है उसको तीनों डायरेक्शन में ले लेंगे हम, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ले लेंगे हम, सिंपल है। पी से लेके क्यू तक लिमिट हो गई, और ए का क्या हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा, और हम क्या मान लेंगे यहां पे, लेट चूंकि टेकिंग कॉस थीटा इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम, वन, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे, कॉस क्या ले लेंगे, वन, क्योंकि हम दोनों को इनको क्या मान लेते हैं, बहुत ही क्लोज मान लेते हैं, ये एंगल क्या मान लेते हैं, बहुत ही नियरली क्लोज मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन के लिए हम ये मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू डी एल हो जाएगा,
तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ले सकते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस का ए वाई, सॉरी ए एक्स और डी एल क्या क्या ले सकते हैं, डी एल एक्स ए वाई डी एल वाई प्लस का ए जेड डी एल जेड, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीग्रल का लाइन वाले का निरूपण, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल जो हमने तीन टाइप पढ़े थे किसके, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के, इंटीग्रल के सापेक्ष में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में से लाइन इंटीग्रल कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यही है हमारा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ वैल्यू लग जाएंगी इनकी और इसी से हम निकाल लेते हैं। और इसी वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, जब किसी गतिमान कण पर बल एफ लगता है तब लाइन इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं उसका, क्या निकालते हैं, गतिमान कण पर बल एफ लगने पर, ये एग्जाम्पल हो गया, गतिमान कण पर बल एफ लगने पर लाइन इंटीग्रल क्या होगा, एफ इंटू डीएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डीएल, चूंकि गतिमान कण है तो कण गतिमान है, किसी ना किसी डायरेक्शन में गतिमान होगा, तो उसके लिए क्या आ गया, डीएल आ गया। डिस्टेंस क्या आ गया, डीएल आ गया, और एफ क्या आ गया, यहां पे फोर्स आ गया, तो गतिमान कण के लिए क्या आ जाएगा हमारा, एफ इंटू डीएल। ये हो गया, ये साइन काय का है, समाकलन का साइन है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम दूसरा वाला पढ़ते हैं, इसका दूसरा डिस्कस करते हैं, दूसरा कौन सा है, सरफेस इंटीग्रल, सेकंड है सरफेस इंटीग्रल, क्या है ये, सरफेस इंटीग्रल के जरिए सदिश राशियों को समझाने का प्रयास है, ये क्या है, प्रयास, सरफेस इंटीग्रल के जरिए के द्वारा सदिश राशियों का कैलकुलेशन। तो फिजिक्स में यूज होने वाली सदिश राशियों का सरफेस इंटीग्रल के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक पृष्ठ ले लेंगे, हम पृष्ठ ले लेंगे, हमने ले लिया, टेकेंगे पृष्ठ, टेकेंगे सरफेस एस, सबसे पहले हमने क्या ली, एक सरफेस ले ली एस, कोई भी सरफेस ले लेते हैं, ये एस सरफेस है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम छोटा सा स्मॉल सा सरफेस सेगमेंट लेंगे, क्या लेंगे, सरफेस सेगमेंट, टेकेंगे स्मॉल सरफेस सेगमेंट, एक स्मॉल सरफेस सेगमेंट ले लेंगे हम इसमें। तो स्मॉल सरफेस सेगमेंट हमने क्या ले लिया, मान लिया ये ले लिया, और इसकी इसको मतलब क्या ले लिया हमने, इस सरफेस को क्या मान लेंगे हम, ds मान लेंगे, ds मान लिया हमने इसको, क्या मान लिया, ds, क्या मान लिया, ds मान लिया हमने इसको।
बड़ा करके देख लेते हैं, तो ये सरफेस है एस, छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या मान लिया इसको हमने ds डायरेक्शन के साथ, ds मान लिया हमने, छोटा सा सरफेस। पहले तो हम एक बड़ा सा सरफेस लेंगे और उसमें इजी कैलकुलेशन के लिए हम बहुत ही छोटा सा सरफेस ले लेंगे, उसको कहते हैं सरफेस सेगमेंट। तो सरफेस सेगमेंट हमने ले लिया, टेकिंग ए सरफेस सेगमेंट कितना ds, कितना लिया ds सरफेस सेगमेंट, टेकिंग ए सरफेस s, टेकिंग ए सरफेस सेगमेंट ds, छोटा सा सरफेस सेगमेंट हमने ds ले लिया, और ds को हमने किस में रख माना है, हमने एक लेट ds सरफेस सेगमेंट इज सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के सापेक्ष में ये सिचुएटेड है, वेक्टर ए के सापेक्ष में ये सिचुएटेड है, तो वेक्टर ए हमने ये ले लिया। वेक्टर ए हम कहीं भी मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं हम, तो वेक्टर ए हमने ले लिया वेक्टर, क्योंकि हमें क्या करना है, वेक्टर के ही साथ में इसको लेना है। और वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, वेक्टर दिशा को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, जो सरफेस सेगमेंट है वो किस डायरेक्शन में लिया गया है उसको पूरे को डायरेक्शन को डिनोट कौन कर रहा है, वेक्टर ए यहाँ पे। ठीक है, एंगल ले लिया हमने दोनों के बीच का कितना, थीटा, थीटा एंगल ले लिया, टेकिंग, पिछले वाले में ये वाली लाइन लिखने से रह गई थी, कोई बात नहीं, टेकिंग एंगल बिटवीन ds एंड वेक्टर a इज इक्वल टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लाइन सॉरी सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, सरफेस इंटीग्रल। तो हम ds सदिश क्षेत्र a में जो स्थित है उसका हम क्या निकालेंगे, वेक्टर a के सापेक्ष सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ds डॉट a, यानी कि सरफेस सेगमेंट और डॉट कितना हो जाएगा a, a यानी क्या क्या है, जो जो कि हमने वो लिया है वेक्टर। अब वेक्टर को क्या करेंगे हम, ds के सापेक्ष में लेंगे, ds के सापेक्ष में जब हम वेक्टर a को लेंगे तो किस में जाएगा, a cos थीटा में जाएगा, सिंपल है। ये हमने निकाल के बाहर रख लिया, ये हमारा ds रहा, ये हमारा एंगल थीटा, ये हमारा वेक्टर a रहा, और जब वेक्टर a को इस वाली डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आएगा, a cos थीटा आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a cos थीटा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा ये हमने लिमिट कहाँ से ले लेंगे हम, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट वाली लाइन भी लिख लेते हैं, टेकिंग लिमिट फ्रॉम एस टू डिसाइड नहीं है, कितनी भी ले सकते हैं हम, जितना दे रखा हुआ, तो सरफेस से ले लेंगे हम, सरफेस से अपर लिमिट इसकी कोई डिसाइड नहीं है, तो अपर लिमिट के लिए जब हम न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तब हम कैलकुलेट करके निकालते हैं अपर लिमिट उसकी सरफेस के हिसाब से। तो सरफेस हम सरफेस से एस से लिमिट लेंगे इसकी, अपर लिमिट हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं या फिर दे रखी होती है न्यूमेरिक वैल्यू में, और हम कितना लेंगे, ए कॉस थीटा आ जाएगा, ए का कंपोनेंट ds के सापेक्ष में, और डॉट ds दोनों का क्या निकाल लेंगे, मोड, मोड वैल्यू आ गई दोनों की, ए कॉस थीटा इंटू ds, ये हो गया हमारा क्या, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल हो गया ये। अब इस सरफेस इंटीग्रल को 3D डायमेंशन में लेंगे, क्योंकि जो पृष्ठ है वो x, y, z तीनों में होगा, तो तीनों में होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे,
a cos theta ds, वही करेंगे हम, theta equal to क्या ले लेंगे हम, 0 degree, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, क्यों लेंगे हम, क्योंकि हम दोनों को जो ds और वेक्टर a के बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल से कितना हो जाएगा हमारा, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 फॉर cos थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सरफेस एस से गुजरने वाला फ्लक्स, ऐसे ही निकालते हैं बिल्कुल सेम, गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल इसी तरह निकालते हैं, सरफेस एस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए इंटू डी एस, और इसको जब हम लेंगे किसमें, 3D में, तीनों डायमेंशन में, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स डी एस एक्स प्लस का ए वाई डी एस वाई प्लस का ए जेड डी एस जेड, ये हो जाएगा, सिंपल है, बहुत ही इजी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डबल इंटीग्रल क्यों लिया, लाइन में सिंगल इंटीग्रल क्यों लिया, क्योंकि लाइन जो होती है वो सिंगल लाइन होती है, उसमें केवल लेंथ होती है, तो उसके लिए सिंगल इंटीग्रल से काम चल जाता है, और ये जो सरफेस होता है सरफेस में लेंथ और विड्थ दोनों होती हैं, तो इसके लिए डबल इंटीग्रल ले लेते हैं, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में हम ट्रिपल इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि उसमें तीनों होते हैं, लेंथ भी होगा, लेंथ और विड्थ हो गया, इसमें लेंथ भी होगा विड्थ भी होगा और डेप्थ भी होगा, डेप्थ या हाइट जो भी आप मानो अपने हिसाब से, तो इसमें हम क्या लेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल, इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत है नहीं, ये इस तरह से लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से लेते हैं हम, तो ये हमारा हो गया फाइनल सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में कैसे अप्लाई होता है वेक्टर राशियों का। आगे हम देखेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा कौन सा था, वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो थर्ड पार्ट में हम वॉल्यूम इंटीग्रल देख रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या है हमारा, वॉल्यूम में हम वॉल्यूम के रिगार्डिंग लेंगे, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम बड़ा सा वॉल्यूम बनाएंगे, तो हमने क्या बना लिया, एक क्यूब बना लिया, क्या बना लिया हमने, एक क्यूब बना लिया, टेकिंग ए क्यूब, हमने एक क्यूब लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑफ वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का लिया ये हमने, बी वॉल्यूम का, क्योंकि इसी से हमारी लिमिट डिसाइड होती है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल सेगमेंट dv, क्या लेंगे, एक स्मॉल सा सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये कितना हो जाएगा, dv, dv हो जाएगा हमारा, और कितना हो जाएगा, ए वेक्टर ए ले लेंगे कोई भी हम, एंगल कितना हो जाएगा, ए डी बी ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, ए डी बी, वेक्टर ए और डी बी वॉल्यूम, ठीक है, चूंकि वॉल्यूम की क्या नहीं होती हमारी, डायरेक्शन नहीं होती है, तो वॉल्यूम से डायरेक्शन हम हटा देंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड डायरेक्शन हो गया, तो छोटे से एलिमेंट के लिए क्या होगा हमारा, छोटे से एलिमेंट के लिए होगा डी एक्स बन जाएगा ये,
ये dz बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा छोटे से, कहलेंगे टेकिंग एन स्मॉल टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंट, क्या लेंगे हम डीबी ले लेंगे। अब क्या हम करेंगे ऑफ वॉल्यूम डीबी इज सिचुएटेड अंडर विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो हम क्या लेंगे इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, क्या ले लेंगे वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि डी बी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। और हम क्या लेंगे इसमें, अब हम लेंगे इसका वॉल्यूम इंटीग्रल, क्या लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम लेंगे इसका वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बेद लिमिट बी, कितना लिमिट बी के साथ लेंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल होगा इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए डॉट डी बी, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लेंगे, क्योंकि वही वाला हम वेक्टर ए का क्या लेंगे, हम ए कॉस थीटा लेंगे किसके सापेक्ष में, डीबी के सापेक्ष में, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, सॉरी इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें वॉल्यूम वाले में इसकी कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम वाले में कोई उसकी जरूरत नहीं है लेने की एंगल, और वो क्योंकि बहुत टिपिकल हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों डायरेक्शन में बात चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम उसको उसमें उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इजी करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ए को ले लेते हैं, ए के कार्टेजियन ले लेते हैं हम, ए एक्स आई ए वाई जे, क्योंकि कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिंपल लिख लेते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक। हम क्या करेंगे इसको सिंपल लगाते हैं इसमें वॉल्यूम वाले में हमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम से ए एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर के साथ ले लेते हैं हम इनकी डायरेक्शन के साथ, ए जेड ए कैप इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी बी, सिंपल रहेगा ये इस तरह से हो जाएगा हमारा दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, सिंपल इतना हो गया हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, यही क्या है हमारा सदिश ए के क्षेत्र के लिए संपूर्ण आयतन बी के बी का आयतन समाकलन। समझ
संपूर्ण आयतन डी का सदिश ए के सापेक्ष या सदिश ए के लिए क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया ये। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन, खत्म हो चुका है, तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।